जय गुरु जी महाराज। महाराज के चरणों में शत शत नमन और गुरु जी की इस प्यारी संगत को भी शत शत नमन अभिनंदन। कल महाराज का महासमाधि दिवस था और अभी आरती से पहले, मंत्र जाप से पहले एक शब्द चल रहा था, सो सद्गुरु प्यारा मेरे नाल है। इससे सारी यादें ताजा हो गई क्योंकि 2007 में महासमाधि के बाद में शाम को मंदिर में, बड़े मंदिर में शबद कीर्तन होता था। तो जो मैं उनके चोला बदलने के बाद में जो शबद कीर्तन एक दिन हो रहा था, जिसमें हंसराज कंसलस जी को बुलाया हुआ था और उन्होंने जब ये भजन गाया तो सारी की सारी संगत जो वहां मौजूद थी सबकी आंखों में आंसू थे। और कितनी सच बात है कि ये सद्गुरु हमारा हमेशा साथ साथ है, हमेशा साथ साथ। तो संगत जी, आज मैं अपने कुछ अनुभव और कुछ अनुभूतियां इसी जर्नी के सहारे चलते हुए आप लोगों को बताता हूं, आपके साथ शेयर करूंगा। मैं शुरू करता हूं क्योंकि मेरा मानना है और शायद यही नियति भी है कि भगवान के मिलने से पहले बहुत बड़ी प्रेरणा और खास तौर पे एक जिज्ञासा की बहुत आवश्यकता है। तो मेरी ये जिज्ञासा की जर्नी 1998 में शुरू हुई, जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में काम करता था, संचार भवन में। मेरे साथ में मेरे कई सारे साथी थे, उनसे कई बार इस तरह का जिक्र चलता रहता था कि भाई, मन में सडनली एक इच्छा हुई कि अपना एक गुरु होना चाहिए। तो मैं अक्सर जिक्र करता था लोगों से, उनके गुरुओं के बारे में सुनता था। बहुत सारे लोग सजेस्ट भी करते थे कि भाई आपको हम अपने गुरुजी से मिलवाएंगे, किसी के गुरु हरिद्वार में थे, किसी के गुरु ऋषिकेश में थे। इस तरह से बातें चलती रहती पर कभी ऐसा मन नहीं हुआ, अंदर से ऐसी कुछ इच्छा शक्ति नहीं हुई, ऐसी कोई प्रेरणा नहीं हुई कि चलो आज इनके साथ चलते। समय बीतता गया और सन 2000 में कमांडर शर्मा, आप लोग सब जानते ही हैं उनको, तो ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हम दोनों ने रुड़की यूनिवर्सिटी से, जो अब आईआईटी रुड़की है, साथ साथ ग्रेजुएशन किया। तो आप समझ सकते हो कि हमने 72 से हम दोनों साथ साथ, तो ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स का पीरियड। तो ये दिल्ली में पोस्टेड थे उन दिनों और मैं भी दिल्ली में था, तो हमारा आना जाना होता रहता था। दोनों के घरों में फैमिली रिलेशंस भी हैं। तो एक बार इन्होंने मुझसे, और इनको, मैं डायबिटिक हूं काफी टाइम से, 1985 से, तो इनको मेरी डायबिटीज का मालूम था। तो एक बार कमांडर शर्मा ने मुझसे कहा कि यार, एक गुरुजी हैं जो कि एम्पायर स्टेट में हैं और वो अपने हाथ से प्रसाद देते हैं। सो दैट वाज द टिपिंग पॉइंट। वो एक आकर्षण का बिंदु बन गया कि महाराज अपने हाथ से प्रसाद देते हैं। तो इसको मालूम था कि मैं डायबिटिक हूं, रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो मीठे की बात होगी तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा। खैर, वो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भाई ठीक है, आप मुझे गुरुजी के पास जरूर लेके चलना। बात आई गई हो गई। सन 2000 का धीरे धीरे समय निकलता गया, 2001 आ गया। अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूं जिससे कि ये चीज पता चलेगी कि भगवान के यहाँ, और महाराज तो शिव शिव हैं, आप साक्षात भगवान है, परम ब्रह्म है। तो भगवान के यहाँ सब चीजें एक स्कीम ऑफ थिंग्स में फॉल होती जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज बाय कॉन्सिडेंस है,
या बाय लक है? नो, सब चीजें एक तारतम्य में, एक स्कीम ऑफ थिंग्स में पिरोई हुई होती है, जिस पर आप चलते रहते हैं। आपको पता नहीं होता कि आप किस जर्नी में जा रहे हो, लेकिन उस परम ब्रह्म परमेश्वर को पता है, क्योंकि शायद उसकी इच्छा है कि आप उसके पास आओ, आप उससे जुड़ो। क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेगा, जब तक वो आपसे नहीं जुड़ना चाहेगा, तो आप नहीं जुड़ सकते। एक शब्द भी है जो कहता है, आपे राखे आप जपावे, आपे नाम करावे। तो सब कुछ उसी के हाथ में है, वो ही करता है, वो ही कर्म है, वो ही भाग्य है, वो ही प्रारब्ध है। तो इस तरह से संगत जी, धीरे धीरे समय निकलता गया, और जनवरी इस बीच में कमांडर शर्मा ने हमें एक कैलेंडर दिया। तो उनके पास भी गुरु जी का एक कैलेंडर आया था। उन दिनों गुरु जी के कैलेंडर ऐसे नहीं छपते थे जैसे आजकल गुरु जी का आश्रम हर साल छापते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी किसी संगत को ये अनुमति मिलती थी गुरु जी की, क्योंकि गुरु जी की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता। गुरु जी की अनुमति मिलती थी कि ठीक है। तो उस साल शायद पहली बार ऐसी कैलेंडर छापने की किसी को अनुमति मिली थी किसी संगत को। तो उन्होंने कुछ कैलेंडर छपवाए। कमांडर शर्मा को दो कैलेंडर मिले, एक उन्होंने अपने पास रखा, एक हमें कहा कि भाई आपको एक कैलेंडर चाहिए। हमने कहा बिल्कुल। तो दैट इज हाउ 2001 का वो कैलेंडर हमारे पास आया। उनने और उन दिनों हम दिल्ली में वसंत कुंज में रहते थे, तो हमारा एक ड्यूप्ले फ्लैट था जिसमें हम थे। उस ड्यूप्ले फ्लैट में संगत जी, जहां सीढ़ी होती है ऊपर जाने के लिए, उसके नीचे एक छोटा सा एल्कोव था जिसमें हमने मंदिर बनाया हुआ था। उस मंदिर में हमारी आंटी ने वो कैलेंडर लगा दिया। जनवरी 26, आई थिंक जनवरी 26 की बात है, या सम डे इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, जब भुज में बहुत जबरदस्त भूकंप आया, तो उस समय सुबह का टाइम था, आंटी पूजा कर रही थी और मैं पूजा करके उठाई था, तो सडनली भूकंप आया और बड़े जोर से थर्ड जैसा हुआ, द होल बिल्डिंग शुक। इतना जबरदस्त भूकंप था कि दिल्ली में भी काफी जबरदस्त ट्रेमर्स आए थे उसके। और उसके बाद में इनको दिखाई दिया कि सामने हमारे मंदिर में एक छोटा सा सिंहासन था भगवान का, जिसमें कुछ मूर्तियां रखी हुई थी। उस सिंहासन में कोई दिव्य पुरुष बैठे हुए हैं सफेद चोले, और उनका साइज इतना बड़ा है, मतलब जैसे कई बार आप लोग देखते ना कि हनुमान जी का शरीर बढ़ता चला जा रहा है, वो मतलब भूधराकार हो गए हैं, पहाड़ की तरह से हो गए, उस तरह से। एंड शी वॉज वन, हमारी आंटी ताजुब कर रही थी कि ये छोटे से सिंहासन में ये इतने बड़े महापुरुष कैसे बैठे। शी वॉज वंडरिंग। तो एकदम से इन्हें जो है देख करके डर भी लगा और बहुत जोर से रोना आया, जो इन्होंने मुझे बाद में बताया अपना एक्सपीरियंस। और फिर इन्होंने देखा कि वो जो महापुरुष बैठे हुए थे, वो बिल्कुल जो कैलेंडर में आकृति थी उससे मिलते जुलते। तब तक हमने गुरु जी को सामने आमने सामने फेस टू फेस तो देखा नहीं था, बस उस कैलेंडर में देखा था कि ये गुरु जी हैं जिनके बारे में बात चल रही है। तो ये हमारा पहला एनकाउंटर था। उसके बाद खैर ये ऐसा लगा कि चलो भाई, पता नहीं क्या था क्या क्या था। लेकिन फरवरी में फिर मैंने कमांडर शर्मा से कहा कि भाई आपने, अंदर से कुछ ऐसा हुआ, मैंने कहा कि भाई आपने गुरु जी का जिक्र किया था, और आप समझिए कि उस टाइम मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था, वो जो पहला आकर्षण था प्रसाद का, हलवे का, दैट वाज नॉट देयर, पर मन में हुआ। और मैंने इनसे कहा कि कमांडर शर्मा, आपने एक गुरु जी का जिक्र किया था और हमें कहा था कि आप लेके चलोगे, क्या हुआ उसका? तो देन ही सेड कि यार वो पंजाब गए हुए हैं और वो पंजाब से शायद अप्रैल में लौट के आएंगे, तो तब हम चले। खैर अप्रैल आ गया, फिर मैंने इनको एक दिन अप्रैल में याद दिलाया कि भाई आपने कहा था
तो गुरु जी के पास चलते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम अगले वीक चले। इस तरह से करते करते संगत जी 2 मई का दिन आ गया। 2 मई के दिन हमारी आंटी का जन्मदिन होता है। तो उस दिन अंदर से मेरे इच्छा हुई कि आज गुरु जी से जरूर मिलना, हमारी आंटी की भी इच्छा हुई। तो हम दोनों विचार करने लगे कि आज शाम को चलना है। पर जैसे ही आफ्टरनून में शाम को समय हुआ, हमें ये मालूम चला था कमांडर शर्मा से कि महाराज शाम को बैठते हैं और मंदिर शाम को ही खुलता है सत्संग के संगत के लिए। तो शाम जैसे ही हुई, बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगा। सो मच सो कि हमारे कोर्टयार्ड में जो एक पहाड़ वो पेड़ लगा हुआ था, उसकी भी टहनियां वगैरह टूट के गिर गई। तो मैंने कमांडर शर्मा को फोन किया, मैंने कहा यार आज ऐसे ऐसे हमारा गुरु जी के पास जाने का मन था। तो दैनी सेठ की यार आज तो बहुत मौसम खराब है, यहाँ बहुत तेज आंधी आंधी चल रही है। तब तक कमांडर शर्मा गुड़गांव आ गए थे। और मैंने इनसे कहा कि नहीं भाई, आज तो जाना है और आप हमें एड्रेस बता दो, हम खुद चले जाएंगे। खैर इनसे इतनी घनिष्ठता थी कि इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। दैनी के और महाराज का छोटा आश्रम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में, एम्पायर स्टेट कॉलोनी में था। तो हम लोग पहुंचे एम्पायर स्टेट के जो गेट है, मेन गेट, उसके बाहर गाड़ियों की पार्किंग होती थी, वहां गाड़ी पार्क की। पार्क करके अंदर गए, अंदर जाकर के 7:30 से महाराज का कमरा खुलता था। उसके बाद में संगत जाकर के बैठ जाती थी, शबद कीर्तन शुरू हो जाता था, ये नियम था। और लगभग 7:30 के करीब, 7:30 के बाद में, 5 मिनट 10 मिनट के बाद महाराज अपना चूल्हे में आते थे और अपनी गद्दी पर बैठते थे। उसके बाद दिनचर्या शुरू होती थी जो कि नॉर्मली। उसके बाद चाय प्रसाद का वितरण होता था, महाराज कुछ लोगों से बातचीत करते थे, कभी कभार सत्संग के लिए किसी को बोलते थे। एंड देन उसके बाद 9:30 के करीब वो जनरली लंगर की कॉल आती थी। लंगर करने के बाद में लोग या अपना आज्ञा लेकर के, एक एक करके जैसा महाराज जब आज्ञा करते थे तो अपने अपने घर के लिए जाते थे। तो ये दिस वाज द रूटीन। तो उस दिन की जो मेरी अनुभूति थी संगत जी, दैट वाज समथिंग जो कि एक पूरे जीवन के लिए एक चिर अनुभूति हो गई है। 7:30 बजे जैसे ही महाराज आए और उनका इतना सुंदर चोला था और फ्रेग्रेंस आ रही थी, उनके जैसे उनके कमरे से फ्रेग्रेंस फूट करके आ रही हो और उनके साथ साथ चल रही हो, इस तरह का वातावरण था। और उन दिनों संगत ज्यादा नहीं होती थी, 40-50 लोग उस समय बैठे होंगे। ये मई 2001 की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे ही महाराज आकर के बैठे और उनकी तरफ दृष्टि गई, तो मन में ये भाव आया कि ये तो साक्षात भगवान है। देखिए मैं गया था, मेरी 2-3 साल से तलाश चल रही थी ये गुरु की, और यहाँ साक्षात भगवान। तो मन इतना आत्मविभोर हो गया। आई थिंक इस अनुभूति को शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है कि उस समय क्या भाव आ रहे थे। आप समझ सकते हो कि अगर आप, हर व्यक्ति की अपनी कल्पनाएं होती हैं भगवान के बारे में, भगवान ऐसे होंगे। कई बार हम इच्छा करते हैं, फोटो में देखते हैं उसको लेकर के, रामचंद्र जी के, कृष्ण जी के, महाशिव के स्वरूप को देख करके हमारे मन में एक चित्रण होता है भगवान का। उसके बाद में उसके बैकग्राउंड में ये भी होता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो ऐसा प्रकाश का पुंज है, वो ऐसा शक्ति का पुंज है जो पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, बहुत सारे अनंत ब्रह्मांडों को चला रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर के जो आपके आपके मन में, दिमाग में जो एक भगवान की कल्पना आती है, वो कितनी ओवरवेलमिंग होती होगी, कितनी, मतलब वो किस तरह से आपको प्रभावित करेगी, उसको आप सोच करके देखें। सो वो सारी की सारी फीलिंग्स जब आपके सामने बैठी हो, इस तरह के भाव आए। तो मैं कभी गुरुजी की तरफ देखता था, थोड़ी देर में फिर
एज के वजह से, उनके ऑरा की वजह से आंखें अपने आप में थोड़ी झुक जाती थी, फिर उत्कंठा से देखते थे, चाव से देखते थे, फिर यही हॉल होता था। इस तरह से करते करते पता नहीं चला कब चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद दी, धीरे धीरे समय निकला और लंगर का समय हो गया। उसके बाद में आज्ञा लेकर के सब लोग चले गए। तो दिस वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर। उसके बाद में मन में ये हुआ, पहले दिन के इस अनुभव के बाद में, देखिए मैं गया था, कभी भी ये प्लान में नहीं था कि भाई हम ऐसे गुरु के पास जा रहे हैं। नॉर्मली आप गुरुओं के पास में ओकेजनली जाते हो, हर आदमी अपने गुरु के पास जाता है, फिर उसके बाद अपने दिनचर्या में लगता है, फिर कभी किसी मौके पे जाता है। पर यहाँ पता चला कि ये मतलब हर दिन होता है वीक में, तो मन हुआ कि यहाँ बार बार आया जाए। तो ऑफिस मेरा दूर था, शाम शाम को आने में देर हो जाती थी, तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम हर बृहस्पतिवार को, जिस दिन गुरुवार को आया करेंगे, और हमने आना शुरू कर दिया। अब महाराज का अपना तरीका है, तो कई कई हफ्ते बीत गए इस तरह से आते जाते, कोई बात नहीं, कोई जीत नहीं, पर कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ अटपटा हो रहा है, कि उन्होंने पूछा नहीं। और हम देखते भी थे कि जनरली गुरुजी किसी से बात कर ली तो कर ली, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। अब शब्द चल रहे हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं अपना सब। तो संगत जी, फिर एक दिन वो दिन आया, और मैं उससे पहले आपको उस क्षण की अनुभूति जरा बताना चाहता हूं कि अगर आप भगवान के सामने हो और भगवान के मुख से कुछ आपके लिए शब्द निकले हैं, तो आपके रोमांच का क्या लेवल होगा? मेरे ख्याल में हर व्यक्ति किंग, जिसे कहते हैं ना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, ऐसा हतप्रभ हो जाएगा कि उसे समझ में नहीं आए कि वो क्या करे। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। जब 4-5 हफ्ते के बाद में एक दिन महाराज ने पूछा, की नाम है देन आई टोल्ड माई नेम। तो मुझे पंजाबी इतनी आती नहीं है, आई एम नॉट पंजाबी स्पीकिंग, तो इसलिए टूटी फूटी जैसी भी है, जैसा मुझे याद पड़ता है उन्होंने। देन ही सेड के कितने आए हो, देन आई सेड की महाराज यही वसंत कुंज से आ। तो देन ही इंक्वायर्ड कि आप कहाँ काम करते हो, और दो तीन चीजें पूछ करके अच्छा आया करो। दिस इज वॉट ही सेड। तो तब तो रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन बाद में बहुत सारी संगत ने भी बताया, और अंदर भी ऐसा लगा कि महाराज ने कहा आया करो, इसका मतलब नाउ आई कैन फ्रीली कम। और अब एक एक फीलिंग ये आई कि अब महाराज को पता है कि ये प्रेजेंस है, ये एक नॉलेज काइंड ऑफ थिंग, लेकिन सच तो ये है कि बुलाया उन्होंने था। और जैसा कि बहुत सारे संगत का एक्सपीरियंस है, महाराज ने भी शायद किसी संगत से कहा था कि तुम्हें पता नहीं है तुम कितने कब से जुड़े हुए हो, कितने जन्मों से जुड़े हुए हो, या कितने जन्मों पहले मेरे से पहले मिले थे। तो इस तरह से फर्स्ट एनकाउंटर हुआ। एंड देन एक दिन मुझे पहला एक्सपीरियंस हुआ पावर का, जिसे कहते हैं मतलब कॉमन पार्लेंस में कि जी ऐसा क्या चमत्कार हुआ। तो हालांकि मैं कुछ ऐसे चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा था, ना ऐसी कोई इच्छा थी, लेकिन एक बार कुछ ऐसी घटना हुई जिसको मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा। गर्मियों के दिन थे, घर में एसी चलता रहता था, तो सुबह को एसी के, कई बार मैं एसी के सामने थोड़ा अपना एक्सरसाइज का रूटीन करता था, तो फुल ब्लास्ट एसी चल रहा था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, और उसकी वजह से सामने से ठंडी हवा आने की वजह से और एक्सरसाइज दोनों की कॉम्बिनेशन में सडनली आई हैड सम काइंड ऑफ स्टिफनिंग। मेरे दाएं गाल पे स्टिफनिंग सी हुई मसल की, और जिसे मेडिकल टर्म्स में बेल्स पेल्सी कहते हैं,
और मुझे लगा कि पूरा मेरा दायां फेस पैरालाइज हो गया। शीशे में जाके देखा मैंने, यस दैट वाज ट्रू, बिल्कुल एक तरफ से थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया था। मैंने आंटी को दिखाया, शी वॉज ऑल्सो वरीड, काफी उनको धक्का लगा ये क्या हो गया। खैर ऑफिस का दिन था तो मैं किसी तरीके से ऑफिस गया, और बड़ी अजीब स्थिति, क्योंकि फेस ऐसा था और कुछ ना खा सकते आप ना पी सकते, क्योंकि जब आप पानी भी पीते थे तो वो एक साइड से थोड़ा थोड़ा ड्रिप करता था। तो एनीवे दैट वाज वेरी एम्बेरसिंग। तो किसी तरह से मैं ऑफिस से लौट के आया, उस दिन थर्सडे का ही दिन था और हमारा गुरुजी के पास जाने का दिन था। अब मेरे सामने समस्या थी, मैंने कहा वहां चाय प्रसाद मिलेगा, और इस बीच में मैं कई सारे डॉक्टर से बात कर चुका था, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे है आप, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है एंड दिस विल टेक टाइम, आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करो, कल आओ परसों आओ अपॉइंटमेंट लो। ये सब चल ही रहा था कि शाम को मेरा वहां जाने का कार्यक्रम था, और मुझे लगा कि आज मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि वहां चाय प्रसाद भी मिलेगा तो चाय प्रसाद में नहीं पी पाऊंगा, वहां बैठूंगा कैसे। एक अंदर से ये थोड़ा सा शर्म भी महसूस हो रही थी कि ऐसी स्थिति में जबकि फेस इस तरह से कॉन्कॉक्टेड है तो कैसे जाके बैठेंगे। खैर बड़ी हिम्मत की, अंदर से लगा कि नहीं गुरु जी के पास तो जाना चाहिए, तो मैं चला गया। बस मन में यही हो रहा था कि गुरु जी महाराज चाय प्रसाद जब आए तो ऐसा ना हो कि चाय का पीना एम्बेरसिंग हो जाए। मैं आपको सच बताऊं, खाली यही फीलिंग हो रही थी, क्योंकि ये तो था नहीं, तब तक दिमाग में नहीं था कि यहाँ मतलब यहाँ कितनी पावर है, क्या महाराज कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। पर मन में ये था कि चलो दो तीन मतलब अगले दिन का मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया था, तो मैंने कहा डॉक्टर से मिलेंगे। कमांडर शर्मा से भी मैंने जिक्र किया था तो ये किसी होम्योपैथ को जानते थे, देन ही सेड कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। तो ये सब चल ही रहा था, तो तब तक चाय प्रसाद आ गया। संगत जी आप समझिए कि जब प्रसाद आया तो मैं बड़ी मुश्किल से वेरी हेजिटेंटली मैंने उसको मुंह से लगाया, और इस तरह से मैंने पीने की कोशिश की कि बहुत छोटी सी घूंट ताकि ड्रिपिंग की कोई चांस ना हो, बट देन नथिंग हैपेंड। फिर मैंने बड़ी सिंपली, नथिंग हैपेंड, इट वेंट वेरी नाइसली। मुझे लगा कुछ इस तरह की फीलिंग हुई वहां, मेरे तो था नहीं, कुछ ऐसा भी तरीका नहीं था, कोई देख भी नहीं रहा था कि कोई पॉइंट आउट करे कि आपको क्या हो गया क्या नहीं हो गया, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि सब कुछ शायद ठीक हो गया। देन आई टुक द होल टी, उसके बाद में एक चाय और आई उसको भी मैंने पी लिया, फिर लंगर आया, लंगर प्रसाद हो गया, उसके बाद अब घर आए। घर आकर के जब मैंने देखा मिरर में, देन द प्रॉब्लम वॉज 95% गॉन। ये मतलब मेरे लिए पहला रेवलेशन था कि ये क्या चीज है, माय फर्स्ट एनकाउंटर विद व्हाट इज कॉल्ड अ मिरेकल। तो लगा कि ये क्या हुआ भाई, मैंने आंटी को दिखाया, उन्होंने कहा है तुम्हारा बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक है। उसके बाद अगले दिन मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से, तो मैंने उनको सारा कुछ एक्सप्लेन किया, देन ही सेड कि हाँ थोड़ा सा है ये तो आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने कहा कि इसमें 15 दिन लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, बट विद इन 3-4 डेज माई फेस वॉज नॉर्मल। अगले थर्सडे जब मैं गया आई वॉज परफेक्टली नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं थी, ना मुझे स्पीच में कोई प्रॉब्लम हुई ना खाने पीने में प्रॉब्लम हुई, एंड इट वॉज ऑल विद इन द सेम डे। जब मैं जाकर के महाराज के पास बैठा, चाय प्रसाद लिया, और जैसे उस चाय प्रसाद से ही सब कुछ हो गया। तो ये मेरा पहला अनुभव था। उसके बाद इस जर्नी पे चलते रहे जाते रहे, मैं आपको छोटे छोटे 3-4 अनुभव बताऊंगा, और सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इज विद अस, और हमें
कुछ भी ना समझने की जरूरत है, ना कहने की जरूरत है, ना मांगने की जरूरत है। हर आदमी की लाइफ में परेशानियां भी आती हैं, खुशियां भी आती हैं। सेम थिंग वाज विद मी। गवर्नमेंट जॉब में थे, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तो ऐसी एक छोटी सी प्रॉब्लम आई तो, लेकिन ये नहीं कि मैं, और सबसे बड़ी बात कि प्रॉब्लम आई लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं थी दिमाग में उसको लेकर के। सबसे सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि उस प्रॉब्लम के होने के बावजूद भी मन में, मस्तिष्क में कोई परेशानी नहीं थी। आई थिंक दिस वॉज बिकॉज ऑफ गुरु जी। ये गुरु जी के का प्रभाव था, गुरु जी का सानिध्य था, जिसकी वजह से मन में कभी कोई चिंता, कोई परेशानी आई नहीं। खैर, एक दिन कुछ टाइम निकल गया, मे बी आई थिंक परेशानी आने के 3-4 महीने बाद सडनली एक दिन गुरुजी ने अपने किचन कैबिनेट पे बैठे हुए थे, इनफॉर्मली अपने इनफॉर्मल कपड़ों में, जैसे कई बार वो पैंट और टी शर्ट में बैठे रहते थे, हम लोग गए तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ काम करते हो। देन आई टोल्ड कि मैं ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट टेलीकॉम। अच्छा, तो उन दिनों अरुण शौरी हमारे मिनिस्टर हुआ करते। उनका, अच्छा तुम्हारे मिनिस्टर अरुण शौरी है ना। मैंने कहा जी गुरु जी। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ हमारे जनरल मैनेजर उस टाइम मिस्टर खन्ना होते थे, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा जीएम खन्ना है ना। मैंने कहा जी गुरु जी। तो दिस इज वॉट हैपेंड। 2-3 सेंटेंसेस उन्होंने बात की, पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने पूछा, बट लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये उनका तरीका था आपके, आपको एहसास कराने का कि तुम्हारे कष्ट मेरे, मतलब मुझे पता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और यू नीड नॉट वरी। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई बात नहीं हुई कि महाराज कोई परेशानी है, जब 2-3 बातें हुई और देन आई फॉरगॉट अबाउट इट। लेकिन उसके ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते बाद में आई गॉट अ लेटर कंफर्मिंग कि भाई वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। सो दिस वॉज माई, ये मेरा दूसरा अनुभव था कि उस जगह पे जहां महाराज हैं, आप जब एक बार जाते हो तो क्या क्या हो सकता है। संगत जी, देन थर्ड थिंग दैट हैपेंड, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया दिल्ली से गुजरात, और मैं कभी, मेरा 7-8 साल से पोस्टिंग दिल्ली में ही थी, तो बड़ा हेजिटेशन था गुजरात जाने में, और गुजरात की टेन्योर पोस्टिंग थी ये भी पता नहीं था कि वहां फैमिली को भी ले जा सकेंगे नहीं ले जा सकेंगे। ये सब सोचते सोचते काफी मन में रेजिस्टेंस होता जा रहा था कि मैं गुजरात का ट्रांसफर अपना शिफ्ट करा, चेंज करा। तो मैंने ऑफिस में भी कहा और हमारे सीनियर्स दे एग्री, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो हमारे डायरेक्टर ने कहा कि ठीक है आप छुट्टी अप्लाई कर दो, 1-आध महीने छुट्टी पे रहो, इस बीच में कोई ना कोई पोस्ट आपके लिए निकल आएगी। तो मैं यही कंटेम्पलेट कर रहा था कि ठीक है छुट्टी ले ना ले। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से एक बार कहा, गुरुजी मेरा ट्रांसफर गुजरात हो गया। तो गुरुजी ने हंस के कहा फिर की चंगा है। तो आप ये देखिए, मैं जिस चीज को आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वो एक अनुभूति है, और वो अनुभूति ये है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि चंगा है, एंड जो मेरे अंदर हेजिटेशन था, डर था गुजरात का, वो ऐसे गायब हो गया। आई फेल्ट सो लाइट, एकदम लाइट हार्टेड। मैं घर वापस आया, अगले दिन ऑफिस गया और मैंने उनसे, मैंने डायरेक्टर से कहा कि मैं गुजरात जाने के लिए तैयार। ही वाज सरप्राइज्ड कि यार ये आदमी पिछले 3 हफ्ते से, 3 हफ्ते से कह रहा है कि मुझे, सॉरी
ये पिछले 2-3 हफ्ते से रेजिस्ट कर रहा है, छुट्टी लेने तक को तैयार था, और सडनली इसको क्या हो गया दैट ही सेइंग टुडे कि मैं गुजरात जाने को तैयार हूं। खैर एनीवेज, ये तो ऑफिशियल काम था, उन्होंने कहा ठीक है। आई वेंट टू गुजरात और वहां मतलब मेरे हेजिटेशन के अगेंस्ट, मेरे डर के खिलाफ वहां मैं 2.5 साल रहा, और 2 साल का टेन्योर था, 2 साल का भी मैं 2.5 साल वहां रहा। बहुत अच्छा टेन्योर रहा मेरा, आई प्रोग्रेस्ड वेरी वेल, सब लोग खुश थे, काम बहुत बढ़िया था, गुजरात भी मुझे अच्छा लगा, स्टे भी बढ़िया रहा। तो दिस वॉज अ थिंग। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सत्संग है, जब मैं उस वहां से गुजरात से मैं हर छुट्टी पे हर फंक्शन पे गुरु जी के बड़े मंदिर आता था, जब भी कोई फंक्शन होता था लाइक उनके जन्मदिन पे, शिवरात्रि पे, 31 दिसंबर को आता रहता था, बीच बीच में भी जब भी मौका लगता था आता था, और एम्पायर स्टेट जाते थे हम छोटे मंदिर। तो धीरे धीरे ऐसे टाइम निकल गया, जब 2-2.5 साल हो गए, फैमिली मेरी आंटी यही थी दिल्ली में, क्योंकि बेटा यही है, जॉब करता था तो वो लोग यही मेंटेन कर रहे थे। तो मैंने मन में ही आता था कि अच्छा आपको वापस आ जाए, जैसे जनरली हर सरकारी लोगों के साथ होता है कि भाई ठीक है आप ट्रांसफर वापस करा लो, दिल्ली वापस आ जाओ। तो लेकिन कभी गुरु जी से ये कहने की हिम्मत नहीं हुई, अंदर से मन भी नहीं हुआ कि गुरु जी से कहे कि गुरु जी अब वापस बुला लो। तो देखिए कि एक बार, ये 2007 की बात है, 2004 में मैं गया था वहां, और 2007 में जनवरी में मैं 31 दिसंबर के प्रोग्राम में आया हुआ था। उसके बाद वाले थर्सडे पे हम एम्पायर स्टेट गए, गुरुजी नीचे फ्लोर पे कारपेट पे बैठे हुए थे, हीटर चल रहा था, काफी सर्दी के दिन थे, संगत भी उनके चारों तरफ वहीं बैठी, मैं और आंटी भी गए, मैं अपने उनके मत्था टेक करके आगे निकल गया, आंटी मत्था टेकने लगी तो गुरुजी ने मुझे आवाज दी। तो मैं जैसे ही मुड़ा तो गुरुजी ने पूछा कि कित्थो आए हो, तो आंटी ने मुझे आवाज दी कि गुरुजी कुछ पूछ रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा तू ही दस दे। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी वसंत कुंज से आते हैं, लेकिन आजकल ये उनकी पता नहीं कैसे हिम्मत होगी, उन्होंने कहा लेकिन आजकल ये गुजरात, शायद ऐसे रूटीनली कहा होगा। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, फिर इनकी थोड़ी और हिम्मत पड़ी आंटी की, इन्होंने कहा कि गुरुजी लेकिन वहां 2.5 साल हो गए हैं। तो आप देखिए गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि अच्छा फिर तो इत्थे ही आ जाओ, दिस व्हाट ही सेड, फिर तो इत्थे ही आ जाओ, बस इतना उन्होंने कहा। फिर हम लोग बैठ गए, उसके बाद मैं लौट करके गुजरात गया, और आपको सुन के अचंबा होगा कि नॉर्मली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की जो ट्रांसफर लिस्ट निकलती है वो जनरली हर एक मंत्रालय में ऐसा ही होता है कि मार्च अप्रैल में निकलती है, वही बच्चों के एडमिशन का सीजन होता है, मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, सो उसके बाद नॉर्मली ट्रांसफर होते हैं। और हमारे यहाँ रूटीन में जब ट्रांसफर लिस्ट निकलती थी तो कम से कम उसमें 15-20 GMs का नाम होता था, लेकिन एक सिंगल GM का ट्रांसफर ऑर्डर निकला 14 जनवरी को, द ट्रांसफर ऑर्डर केम, मेरे नाम का ट्रांसफर ऑर्डर, और वो भी दिल्ली का, जो कि मैं लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली में 7 साल काट चुका था और मेरी पहली पोस्टिंग दिल्ली से बाहर गुजरात हुई थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई इंडिया में कहीं भी फेंक देंगे, तो दिल्ली में मेरा आई वॉज ट्रांसफर्ड बैक टू दिल्ली। ये महाराज की कृपा थी कि जस्ट उनका मन हुआ कि हमें ठीक है अब तो इतने आ जा, एंड विद इन अ वीक दिस हैपेंड। और जनरली इस तरीके के ट्रांसफर जो जनवरी फरवरी में अगर कोई हो भी जाए तो 31 मार्च से पहले कोई छोड़ना नहीं चाहता, तो हमारे CGM ने भी कहा कि भाई आप 31 मार्च तक रुक सकते हो, तो देन आई सेड ठीक है 31 मार्च तक रुक जाते हैं। सो आई केम बैक इन अप्रैल 2007, और उसके बाद जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि मई में महाराज ने वहां से समाधि ले ली 31 मई को। तो दिस वॉज माई जर्नी विद हिम, जब
जब तक वो चोले में थे। लेकिन एक चीज जो जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये कि एक ही आयाम है ऐसा, और बड़े सारे अनुभूतियां अनुभव होते रहते हैं जो कि एक विश्वास को पक्का करते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो अनंत है, और मैं ऐसा इसलिए समझता हूं क्योंकि लाखों करोड़ों की संगत अब गुरु जी से जुड़ी हुई है, रोज हजारों लाखों लोगों का एडिशन हो रहा है। हर व्यक्ति मंदिर जाता है, हर व्यक्ति गुरु जी से जुड़ता है, चाहे वो उनका स्वरूप लेकर के जाए, चाहे स्वरूप देखे, चाहे फेसबुक पर स्वरूप देखे, चाहे इंटरनेट पर देखे, किसी भी रूप में जुड़े, और उसके कष्ट दूर होते हैं, उसकी सारी समस्याएं दूर होती हैं, उसको अपने अंदर एक एनर्जी महसूस होती है, उसको लगता है उसका उसके साथ उसका सहारा है। संगत ऐसे ऐसे अनुभव सुनाती है कि उनके साथ कार में गुरु जी चल रहे हैं, संगत ऐसे ऐसे अनुभव सुनाती है कि कार की टक्कर लगी, उनको लगा कि किसी ने उनके उनको संभाल लिया। तो ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ एक ही चीज एक्सप्लेन करती है। एक मैं चित्र देख रहा था जिसमें एक कंपेरेटिव स्टडी दिखाई थी ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हमारी क्या स्थिति। तो दैट वाज ए स्केल रिप्रेजेंटेशन जिसमें अर्थ को सन के साइज से कंपेयर किया गया था, सन के साइज को गैलेक्सी से, गैलेक्सी को यूनिवर्स से, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें नटशेल में ये दिखाया गया था कि इवन सन के सामने भी अर्थ एक पॉइंट की तरह से, और आप सोचिए कि उस पॉइंट पर भी हम कहाँ हैं, और ऐसे एक मिनिस्क्यूल माइक्रोन टाइप के पॉइंट के साथ में इस सारी सृष्टि का रचने वाला महाशिव जो इस सारी सृष्टि को चला रहा है, लालन पालन कर रहा है, पता नहीं हमारे जैसे कितने मनुष्य, हमारे जैसे कितने प्राणी, कितने जीव, कितने ब्रह्मांड, कितने विश्व, सबका रचयिता, सबका चलाने वाला, सिर्फ रच नहीं रहा है, चला भी रहा है, उनका ध्यान भी रख रहा है, जिस तरह से हमें ध्यान रख रहा है, जिस तरह से हमें लगता है कि महाराज ने हमें अपने अपनी बाहों में ले रखा, जैसे हमें लगता है कि हम, हमारे हर आदमी को ऐसा लगता है, हर आदमी की अनुभूति है कि जैसे महाराज उसी के लिए बने हैं, उसी के साथ हर वक्त उसकी हर समस्या को सुन रहे हैं। आप कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ चाहते हो, कभी किसी परेशानी में होते हो और याद करते हो, और वो परेशानी काल निकल आता है। ये कैसे पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ओनली वेन समबडी इज ऑमनी प्रेजेंट, समबडी इज ऑमनी पोटेंट, आपके साथ है, हर तरह से समर्थ है, हर समस्या को जानता है, और बाहर की समस्या नहीं, आपके मन को भी जानता है, आप मन में भी जो चाहते हो उसको भी जानता है, और वो सिर्फ क्या कहता है कि आप वो कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई कुछ चढ़ाना नहीं है, आपको सिर्फ प्यार करना, मांगना भी नहीं है, सिर्फ प्यार करना, सिर्फ विश्वास करना है कि मैं प्यार करता हूं, मैं मानता हूं, और मेरी कोई भी समस्या होगी उसको ये हल कर, एंड ही डज इट। कोई भी समस्या हो वो उसको करते हैं। और इसके बाद भी संगत जी महाराज कई बार कहते थे कि जो मैं दे सकता हूं वो लोग मांगते हैं। तो आप देखिए कि इसके आगे क्या मिल सकता, अनंत,
और अनंत काल से पता नहीं क्या क्या देते आ रहे हैं। उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में आप वहां से हो, अगर आप छोटी सी बात पे ध्यान दें कि मैं और कमांडर शर्मा 1972 में मिले, हमारा दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग, मैं ईस्टर्न यूपी से आता था और ये वेस्टर्न यूपी से थे। आई थिंक उस टाइम मैं बीएससी करके आया था और ये इंटर करके आए थे, तो हम दोनों की एज में भी 2-3 साल का डिफरेंस था शायद। कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड, कंप्लीटली डिफरेंट एजुकेशन, मेंटल मेकअप थोड़ा दोनों का अलग अलग, क्योंकि हमारे फादर सरकारी नौकरी में थे, इनके फादर पुलिस में थे। लेकिन जो बताना चाह रहा हूं, जो आपसे शेयर कर रहा हूं, ये कि इट वॉज इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, ये महाराज की प्लान में था कि तुम कमांडर शर्मा से मिलोगे और यही कमांडर शर्मा तुम्हें एक दिन मेरे पास लेने लेकर आने का माध्यम बनेगा। माध्यम बनेगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कमांडर शर्मा ने गुरुजी का जिक्र सन 2000 दिसंबर में किया और मेरा बुलावा आया मई में। तो जब तक आपका समय नहीं है, जब तक आपका समय नहीं आया है, जब तक महाराज ने तय नहीं किया है कि अब आपको आना है, तब तक आप नहीं पहुंचे। बट इट इज इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, स्कीम ऑफ थिंग्स में है कि आपको इस दिन आना है, आप पहुंचेंगे, आपके साथ आपकी जर्नी जैसे रहनी है वैसे रहेगी। और इस जर्नी में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई नया पुराना नहीं। नया पुराने तो तब होंगे ना आप जब आप इस जन्म के स्केल पे चल रहे हैं कि अब हम इतने साल के हो गए हैं, उस साल को मिले थे, तब मिले थे। लेकिन जिस जर्नी का आपको पता ही नहीं है, जिसको सिर्फ गुरु महाराज जानते हैं, इससे पहले तुम कब मिले थे? और तुम तो एक बार चले गए तो उसके बाद में पता नहीं कितने हजार साल बाद लौटोगे, फिर कितने जन्मों बाद महाराज से फिर दोबारा मुलाकात होगी। और वो आपको इस तरीके से अपने साथ में लेकर के चलना है, हर जन्म के साथ संभाल करके आपका ध्यान रख रहे हैं। 400 साल के बाद भी आपको बता रहे हैं कि तुम इससे 400 साल पहले मिले। हु कैन डू इट? वो ही कर सकता है जिसका कोई और छोर नहीं है, जो अनंत है और उसके अनंत किस्से हैं, अनंत अनुभूतियां हैं। तो इसी नोट पर मैं आपके लिए थॉट छोड़ूंगा कि जो कहते हैं कि महाराज महाशिव हैं, उनसे सिर्फ उनको सिर्फ आपके प्यार की जरूरत है, बाकी उनके साथ में हर तरह के गण हैं, भूत पिशाच भी हैं, महात्मा भी हैं, संत भी हैं, देवता भी हैं, सबके अपने अपने स्थान हैं और सब उनको उतने ही प्रिय हैं। जो महाशिव, जिसने अपने लिए पूरे ब्रह्मांड में शमशान की भूमि भूमि चुनी हो, जिसका अपना किसी से लेना देना नहीं हो, आप गुरुजी के अपने जीवन काल पर भी देखो, उन्होंने सिर्फ कल्याण के लिए लोगों को बुलाया और कल्याण करते रहे और फिर इस तरह से चले गए, कल्याण चलते चल करते करते मां समाधि ले ली कि जस्ट लाइक दिस। और उसके बाद भी अनंत में छा गए, अनंत में। अब हर आदमी के पास में गुरुजी हैं, हर व्यक्ति के पास गुरुजी हैं, हर उस व्यक्ति के पास जिसको जरा सी भी उत्कंठा है, जरा सी भी जिज्ञासा है, जो उनको इस तरह से भी याद कर लेते हैं कि अच्छा हमारे लिए ये काम करके बताओ तो हम आप विश्वास करें, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो इस टेस्ट के साथ में आते हैं कि आप हमारे ये काम कर दो तो हम आपको मानेंगे, और वो करते हैं।
तो ऐसे महाशिव हमारे गुरु जी, उनका जितना भी गुणगान किया जाए, उनके जितने भी सत्संग किए जाए कम है। ऐसे अनंत महादेव को शत शत नमन। इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और एक बार फिर महाराज को शत शत नमन।